नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस YouTube सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस YouTube सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। आज का जो लेक्चर है इस सेशन के अंतर्गत, वो है इंटरनेशनल लॉ पर। और इंटरनेशनल लॉ पर हम लोग जो एक लेक्चर ये ले रहे हैं, इसी में कंप्लीट इंटरनेशनल लॉ होगा, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित प्रश्न भी होंगे, इंटरनेशनल लॉ से भी संबंधित प्रश्न होंगे और इंटरनेशनल करंट अफेयर से भी संबंधित प्रश्न होंगे। मतलब पूरा जो कि इंटरनेशनल लॉ को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया जाता है UPPCSJ का, उससे संबंधित सारे प्रश्नों और सारे टॉपिक्स पर चर्चा होगी हम लोगों की। तो ये सेशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक चाय या नाश्ता नहीं किया है तो आराम से चाय नाश्ता करते रहिए और इस सेशन को ज्वाइन करिए। एक लंबा सेशन होने वाला है और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए, जो लोग आ चुके हैं क्लास में उन सबों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। अजय, उजाला, नेहा, अखिलेश। तो बिना देर किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए, ज्यादा समय नहीं लगाते और इसकी शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और अगर कोशिश करिए कि अगर आप लोगों के संपर्क में कोई हो जो कि इंटरनेशनल लॉ पढ़ना चाहता है, इंटरनेशनल लॉ पर प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। आप लोग भी आंसर देते रहिएगा, जिसका पता होगा, जिसका पता नहीं होगा वो तो हम बताएंगे। तो चलिए, आज का प्रश्न पहला है, आज का पहला प्रश्न है, हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। फादर इंटरनेशनल लॉ किसे कहा जाता है, मॉडर्न। पहला सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रोशियस। नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराने हैं, इसलिए प्रश्न को मैं आपके आंसर का वेट नहीं करूंगा, मैं आंसर बता दूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप लोग सीमित समय के भीतर कर पाए। क्वेश्चन नंबर दो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट हैज बीन ऑफ द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ट्रू बट पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी ओनली, एनालॉगस टू द रूल्स बाइंडिंग ए क्लब और सोसाइटी। कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लॉ इज ए बॉडी ऑफ रूल्स लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स, नेचुरल लॉ रेगुलेटिंग स्टेट बिहेवियर, लॉ ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ स्टेट टू ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, ए कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइडिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए बॉडी ऑफ रूल्स लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, हु सेड दैट द इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ द ज्यूरिसप्रूडेंस, किसने कहा था? ऑस्टिन, साल्मंड, हॉलैंड, ओपेनहाइम। हॉलैंड, वैनिशिंग पॉइंट ऑफ द ज्यूरिसप्रूडेंस। देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया होगा, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंसिडर्स इंटरनेशनल लॉ एज ट्रू लॉ, ग्रोशियस, हॉब्स, हॉलैंड, ऑस्टिन। ऑप्शन ए, ग्रोशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इज दैट एवरी स्टेट रिकॉग्नाइजेस दैट इट डज एग्जिस्ट and that it is itself under obligation to observe it. This statement was made by, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
विच आर द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंसिडर्स इंटरनेशनल लॉ एज ए ट्रू लॉ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग डाउट द लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ऑप्शन नंबर ए हॉलैंड. ये है आपका स्टेटमेंट करेक्ट करने के लिए. ये देखिए, consider the following statement: international law is not a law at all. International law has no judicial system to enforce the law by applying sanction. इसमें से कितने statement सही हैं गलत हैं बताएं. इसका सही option हो जाएगा option number B. next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि द एक्सप्रेशन इंटरनेशनल लॉ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है कि द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कस्टम ट्रीटी जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ट्रीटीज, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम. अच्छा, ये तीन ही ऑप्शन में से आपको बताने पड़ेंगे. का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ट्रीटीज. देखिए, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बड़ा सेशन है, तो हम लोग अगर एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वो कई दिनों का सेशन हो जाएगा. सिर्फ ये प्रैक्टिस ही कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे हैं. तो अगर एक दो बार, अगर आप जब भी लाइव देख रहे हैं चाहे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, एक बार देखिए, फिर उसको अगली बार जब देखिएगा तो स्पीड बढ़ा के देखिएगा, फिर उससे अगली बार देखिए तो उससे भी ज्यादा स्पीड बढ़ा के देखिए, तो आपका लेक्चर बहुत इजीली याद हो जाएगा और उससे बाहर के प्रश्न आने नहीं चाहिए एग्जामिनेशन. नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट यूजेस रिप्रेजेंट्स द इनिशियल स्टेज ऑफ कस्टम. कस्टम बिगिंस वेयर यूजेस एंड्स. किसका स्टेटमेंट है ये? स्टार, प्रायरली, हाल, ओपेनहाइम. ऑप्शन नंबर ए स्टार. नेक्स्ट, यह है आपका अगला क्वेश्चन, पढ़िए. इंटरनेशनल यूजेस ट्रांसलेट्स इनटू इंटरनेशनल कस्टम ओनली इफ. इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा पढ़ लीजिए. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, यूजेस रिप्रेजेंट्स द ट्विलाइट स्टेज ऑफ कस्टम. कस्टम देयर फोर बिगिंस वेयर द यूजेस एंड. इट इज द स्टेटेड बाय. ठीक है. नेक्स्ट है कि हु हैज डिस्क्राइब्ड इंटरनेशनल लॉ एज पॉजिटिव मोरालिटी. पॉजिटिव मोरालिटी किसने कहा था इंटरनेशनल लॉ? ऑप्शन नंबर बी ऑस्टेन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 क्लास 1 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. पढ़िए पढ़िए, इसमें से कौन सा है?
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कस्टम इज, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक्स इक्वा इट बोनो मैक्सिम इज रिलेटेड टू, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट है कि नॉर्म्स ऑफ जस्ट कोजेंस आर, पढ़िए, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये है आपका अगला प्रश्न कि जस्ट कोजेंस मींस एंड इंक्लूड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसको पढ़िए कि एन इंटर एडिशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नॉर्म ऑफ जस्ट कोजेंस इज दैट, पढ़िए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23, हु एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट द इंटरनेशनल लॉ कैन इंडीड बी डिस्क्राइब एज लॉ ओनली बाय कोर्ट से, आपके सामने ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही, कंसिडर करना है स्टेटमेंट को आर्टिकल 38 के परिप्रेक्ष्य में। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको लगे कि स्पीड मेरी थोड़ी ज्यादा है तो आप बताइएगा, मैं थोड़ी स्पीड स्लो कर दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि इंटरनेशनल लॉ इज आल्सो डेवलप थ्रू स्टेट प्रैक्टिसेस, इट इज नोन एज, इसको इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ द लीगल रूल्स व्हिच अप्लाई बिटवीन सॉवरेन स्टेट एंड सच अदर एंटिटीज एज हैव बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल पर्सनालिटी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ गिवन बाय, किसकी डेफिनेशन है, स्वार्जन बर्गर की, ऑप्शन नंबर सी। ये है आपका अगला प्रश्न, इसको भी ऑप्शन नंबर इसका सही बता देते हैं ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर पढ़िए, इसका पढ़ा जाए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ड्यूअलिज्म डिनोट्स दैट इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ, ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू द इंडियन इटालियन जुरिस्ट एंड एंटीलॉजी ए पॉजिटिविस्ट द बाइंडिंग फोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज फाउंडेड ऑन द सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ जस्कोजेंस. क्या है इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी. देखिए आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा. बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं छोड़ दे रहा हूं कि आप पढ़ लीजिए उसको, कर लीजिए, और उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं. और इसका कारण मैं बता चुका हूं कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं. उसके पीछे कारण ये है कि आप फिर उतनी देर तक टिक ही नहीं पाएंगे, 25-50 क्वेश्चन में ही आप थक जाएंगे. तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा एक सेशन में क्वेश्चन कर लेंगे ताकि दूसरा सेशन न करना पड़े इसके लिए. नेक्स्ट है कि डिक्लेयरिंग ए डिप्लोमैट पर्सोना नॉन ग्रेटा इज ए राइट ऑफ. इसका आंसर बताइए. ऑप्शन नंबर बी रिसीविंग स्टेट. नेक्स्ट ए पर्सन बॉर्न नॉट इन द कंट्री ऑफ हिज पेरेंट्स वुड बी द नेशनल ऑफ द कंट्री वेयर ही इज बॉर्न ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ. हाँ बेटा, तो हिंदी में जब भी मेरे पास कुछ मटेरियल आएगा तो मैं हिंदी में भी करा दूंगा. अभी मेरे पास यही था तो इसलिए मैंने यही करा दिया कि ताकि कुछ तो हिंदी वालों को भी फायदा हो जाए और इंग्लिश वालों को तो अच्छा फायदा हो जाएगा. अब आप समझिए इससे बाहर के क्वेश्चन तो नहीं आने वाले जितना मैं करा दूंगा आज. ये अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स इज रिलेटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट. ऑप्शन नंबर ए तो हार डॉक्ट्रिन. नेक्स्ट ए स्टेट इज एंड बिकम्स एन इंटरनेशनल पर्सन थ्रू द रिकॉग्निशन ओनली एंड एक्सक्लूसिवली दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाई. इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ओपेनहाइम. नेक्स्ट कि ए स्टेट इज एंड बिकम एन इंटरनेशनल पर्सन बाई रिकॉग्निशन ओनली. इस किसका स्टेटमेंट है ये? कौन से रूल थियरी का है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट करेक्ट स्टेट आंसर को चुनना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड विथ स्टेट रिकॉग्निशन. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोबार और एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन. सही ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन, अभी आपने पढ़ा. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर नॉट रिलेटेड टू रिकॉग्निशन. ऑप्शन नंबर बी मुनरो डॉक्ट्रिन. नेक्स्ट रिकॉग्निशन इज ए फ्री एक्ट हु अमंग्स द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड दिस व्यू. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट वंस ए डी ज्यूरे रिकॉग्निशन इज गिवन टू ए न्यू स्टेट इट इज. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इरिवोकेबल. नेक्स्ट व्हेन ए न्यू स्टेट इज फॉर्म्ड थ्रू रिवोल्ट रिकॉग्निशन यूजुअली ग्रांटेड इज. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट द एडमिशन ऑफ ए न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इनटू यूनाइटेड नेशन कैन बी टर्म्ड एज. ऑप्शन नंबर डी कलेक्टिव रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन. नेक्स्ट हु
amongst the following made the statement that a state is and become an international person through the recognition only and exclusively. ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन नंबर सी ओपेनहाइम का. नेक्स्ट है, द मेन डिफरेंस बिटवीन डी जूरे एंड डी फैक्टो रिकॉग्निशन इज दैट द फॉर्मर इज. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिगार्डेड एज ए सब्सिडियरी मींस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. इसका सही ऑप्शन देख लें. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, द लॉ मेकिंग रेजोल्यूशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली आर बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बिकॉज. इसका सही ऑप्शन ढूंढिए कौन सा है. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन वाज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द रोमन लॉ बाय. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ग्रोसियस. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल्स ऑफ नेचुरैलिटी वेयर कोडिफाइड इन. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है, हू अमंग द फॉलोइंग सेड दैट यूजेस रिप्रेजेंट्स द इनिशियल स्टेज ऑफ कस्टम एज ए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड द कस्टम बिगिंस वेयर यूजेस एंड्स. ये तो बता देंगे, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर सी स्टार्क. नेक्स्ट नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थियरीज इज नॉट रिलेटेड विच स्टेट सक्सेशन. ऑप्शन नंबर बी ड्रैगो डॉक्ट्रिन. देखिए आप लोग 50 क्वेश्चन कर ली, अगर आप ये देख पाते, हालांकि आपने किया नहीं होगा, लेकिन ये देखते कि कितने आंसर मेरे सही हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रहता. तो कोई बात नहीं है, अगला ये 50 हुए हैं अभी, अगला 50 जो होगा 51 से लेकर 100 वाला, उसमें आप देखिएगा कि कितने प्रश्नों को आप सही कर पा रहे हैं. और एक एक क्वेश्चन एक से अधिक बार रिपीट भी होंगे ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे इसमें, तो करते रहिए इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा कि 51 से लेकर 100 के बीच में आप कितना सही कर पाते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, पैक्टा संट सर्वेंडा मींस. इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए, ट्रीटीज आर एक्सेप्टेड इन गुड फेथ. नेक्स्ट है, कि हु फॉर्मुलेटेड द थियरी ऑफ पैक्टा संट सर्वेंडा टू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंजिलोटी. अखिलेश का मैं देख रहा हूं बहुत बढ़िया तैयार है भाई. नेक्स्ट है, और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, उनके लिए तो बढ़िया प्रैक्टिस सेशन है कि आप सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट मींस द चेंज ऑफ, क्या ऑप्शन है इसमें से. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल सॉवरेंटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल आर रिवोल्यूशनरी प्रोसेस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, मैच कराई, आसान सा प्रश्न है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। यह है आपका अगला प्रश्न, पढ़िए। यह है ईच सक्सेसिव गवर्नमेंट ए स्टेट इज एज रूल लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ इट्स प्रीडिसेसर्स। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द कौन सी सिद्धांत पर आधारित है ये? कॉमन सेंस भी लगाए तो लग जाए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट, कि स्टेट सक्सेशन इज ए मिसनोमर इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थियोरी ऑफ स्टेट सक्सेशन, यूनिवर्सल सक्सेशन थियोरी, कंटिन्यूटी थियोरी, नेगेटिव थियोरी, कॉन्स्टिट्यूटिव थियोरी। ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टिट्यूटिव थियोरी। नेक्स्ट, विच कैटेगरी ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ स्टेट सक्सेशन हैज नॉट येट बीन रेगुलेटेड बाई एन इंटरनेशनल कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्ट हैव यूज्ड द एक्सप्रेशन सक्सेशन टू राइट एंड ऑब्लिगेशन इन प्लेस ऑफ स्टेट सक्सेशन। गुड इवनिंग रितिका, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एसाइलम स्टॉप्स वेयर एक्सट्राडिशन बिगिंस, एबव स्टेटमेंट वाज मेड बाय किल्सन स्टार स्वार्जनबर्गर कोबार्ड। इसका सही ऑप्शन है स्टार। नेक्स्ट, विच कैटेगरी ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ स्टेट सक्सेशन हैज नॉट येट बीन रेगुलेटेड बाय एन इंटरनेशनल कन्वेंशंस। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर प्रोवाइडेड फॉर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी पर्पस। नेक्स्ट आपका ये है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए 63 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन अंडर आर्टिकल 1। अब हम लोग आर्टिकल पर आ गए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 1 के अंतर्गत कौन सा उद्देश्य नहीं। का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। भीम भी आ गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूनाइटेड नेशंस वाज सच सजेस्टेड बाय रूजवेल्ट, चर्चिल, टीवी शू, एम लिटिनॉव। का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 65, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ यूएनओ द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड
कौन से सेक्शन में है ये? सेल्फ डिटर्मिनेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 66। वन ऑफ द पर्पजेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द यूएन चार्टर इज। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन टर्म्ड एज ए चाइल्ड ऑफ वॉर? चाइल्ड ऑफ वॉर, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट वन, विच डेट इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? आपके सामने 68 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, मेंबर कब हुआ था? देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर जो 68 है, ये हुआ था 26 जून को उसने सिग्नेचर किया था भारत ने, उस पर भारत ने उस पर सिग्नेचर 26 जून को किया था, लेकिन उसका अनुसमर्थन हुआ था ये। तो अगर आपसे ये पूछे कि किस डेट को मेंबर बना, तो ये 30 अक्टूबर 1945 रखिएगा, और किस डेट पर उसने हस्ताक्षर किए, तो 26 जून 1945 है। तो दोनों क्वेश्चन सेम नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, द यूएनओ वॉज फ्रेम्ड ऑन? यूएनओ वॉज फ्रेम्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945, 23 अक्टूबर 1945 की, 24 अक्टूबर 1944 की, 22 अक्टूबर 1944। ये तो सबको पता है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस डे इज डिक्लेयर्ड एवरी ईयर, कब मनाया जाता है यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस डे? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट, विच ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड एज द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इन 1945 एंड डिड नॉट देयर फोर साइन द यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन 26 जून 1945? कौन? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सही मैच नहीं कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर दोज हू नेम्स आर मेंशन्ड इन? प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर दोज हूज नेम आर मेंशन्ड इन, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। नेक्स्ट है, यह है आपका अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चीफ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन? इसका सही ऑप्शन है, बिल्कुल, लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड
नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अरे तो कई बार पूछे भी गए हैं इसके संबंधित क्वेश्चन। ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट फॉलोइंग कौन सा नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस? इसका सही ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट व्हाट इज द नंबर ऑफ ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑप्शन नंबर सी 51 लोगों ने 51 देशों ने। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर 7654 6। नेक्स्ट द पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन इज वर्ल्ड पीस इट वॉज ऑब्जर्व बाई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ये आपको करना है 82 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। बताइए बताइए बताइए। इसका सही ऑप्शन आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर द एक्सपल्सन ऑफ ए मेंबर स्टेट? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर रिलेट्स टू डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन? कई बार पूछा गया सवाल फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 84 क्वेश्चन का ए हो जाएगा आर्टिकल 27। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको ये बताइए लेकिन आसान है। ये बताइए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये है आपका अगला प्रश्न इसको पढ़िए ऑल मेंबर्स शैल बी सेटल्ड। पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। इसका सही ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये है आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ये है आपका अगला प्रश्न 88 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द यूएन चार्टर? आर्टिकल 2 में क्या शामिल नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये है आपका अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 89। द यूनाइटेड नेशंस एंजॉय इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस इन द टेरिटरीज ऑफ इट्स मेंबर स्टेट अंडर। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 105 ऑफ चार्टर। नेक्स्ट है आपका ये प्रश्न, द फाइव इयर्स टर्म ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज बीन फिक्स्ड बाय द, इसके द्वारा फिक्स किया गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है ये, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92, द रियल पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल लाइज विथ सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, द फाइव परमानेंट मेंबर ऑफ द। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये है आपका अगला प्रश्न, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसमें से सही मैच क्या नहीं कर रहा है, इसमें से क्या सही मैच नहीं कर रहा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि द फर्स्ट सेशन ऑफ यूएनओ जनरल असेंबली वाज हेल्ड ऑन, फर्स्ट सेशन ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी 1946। नेक्स्ट है, लिटिल असेंबली इज द बॉडी क्रिएटेड बाय, लिटिल असेंबली इज बॉडी क्रिएटेड बाय, ऑप्शन नंबर बी, जनरल असेंबली। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन परफॉर्म द लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए, जनरल असेंबली। नेक्स्ट, कि नो मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैन इन सेंड द जनरल असेंबली मोर देन, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 5 रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 है, और ये हो सकता है कि छोटा करने के चक्कर में आपको दिखने में असुविधा हो जाए। इसमें इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, ये सही हो गया, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमने फिर 51 से लेके 100 तक कर लिए, अब आप खुद मिलाइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितना अभी मेहनत करने की जरूरत है। अभी हम लोगों ने ये किए हैं, बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं थे, आसान ही थे, लेकिन फिर भी 50 क्वेश्चन में से कितना आपने सही किया बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है बाकी लोग भी देखें तो अच्छा ना लगे, लेकिन आप खुद से अपना अनुमान लगाते चलिए। स्पीड जो है हम लोगों की बहुत प्रॉपर चल रही है, मतलब जितने सारे क्वेश्चन हैं हम लोगों के सामने उतने क्वेश्चन हम लोग कर जाएंगे लिमिटेड टाइम के भीतर, 1 घंटे से भी कम समय में हम लोगों ने कर लिया है 100 क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर
ये है आपका अगला क्वेश्चन। अब यहां से देखिएगा कि 101 से लेके 150 तक, 14 तुम भी सही मार दिए, वाह। क्या कह रहे हैं, हाँ अब 101 से लेके 150 के बीच में देख लीजिएगा जो लोग हैं कि वो कितना सही कर पा रहा है। नेक्स्ट है, द डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली ऑन इंपॉर्टेंट मैटर आर मेड बाय, डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली ऑन इंपॉर्टेंट मैटर इज मेड बाय, क्या मेजॉरिटी होती है भाई? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 102 कहता है कि द पावर ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी आर इन प्रिंसिपल, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। ये है आपका अगला क्वेश्चन, द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज अप्रूव्ड बाय, इसके द्वारा अप्रूव होता है, ऑप्शन नंबर बी जनरल असेंबली। नेक्स्ट यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन वाज अडॉप्ट बाय द फॉलोइंग, यूनाइटेड फॉर पीस, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका 105, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है, पढ़ लीजिए इसको। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इनटू यूनाइटेड नेशंस कैन बी टर्म्ड एज एक्सप्रेस रिकॉग्निशन, कंडीशनल, कलेक्टिव, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टिव रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107, ये थोड़ा ये है आपका 107 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़िए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ये है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्स्थ कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लीगल कमिटी। नेक्स्ट है आपका ये प्रश्न है, द एडमिशन ऑफ एनी पीस लविंग स्टेट To membership of the United Nations will be affected by the, इसमें से ऑप्शन आप चुनिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज अपॉइंटेड, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं भैया सेक्रेटरी,
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए मेंबर ऑफ यूएन मे बी सस्पेंडेड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ इट्स राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबरशिप बाय द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको कि हु कैन एक्सपेल ए स्टेट फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये तो सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी अभी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, इसको जूम करो तो ज्यादा ही जूम हो जाएगा, स्मॉल करो तो ज्यादा ही स्मॉल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि द जनरल असेंबली ऑफ द यूएन पास्ड यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन ऑन। इसका सही ऑप्शन है 3 नवंबर 1950 को। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 114। स्टेटमेंट को देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। पढ़िए, सब करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑथराइज द जनरल असेंबली टू एस्टेब्लिश सब्सिडियरी ऑर्गन फॉर इट्स परफॉर्मेंस। आर्टिकल बताना है आपको, इसका सही ऑप्शन है, इसका सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी लाइज ऑन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट, द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड इन विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस प्रोवाइडेड इन सेक्शन यूएन चार्टर प्रोवाइडेड इन द यूएन चार्टर इज सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस टू द टू इट्स मेंबर्स। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51। नेक्स्ट, ये है आपका अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड द फॉलोइंग द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट चार्टर। का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर द सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर टू यूज फोर्स अगेंस्ट ए स्टेट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन। इसका सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
व्हाट इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ? नॉन परमानेंट मेंबर, ऑप्शन नंबर ए, 2 साल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? जापान। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल? स्पेन। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न। द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन प्रोसीजरल मैटर आर मेड बाई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वीटो इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंस क्वालिटी इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, वीटो इज वेस्टेड विद परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। द वोटिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर एडमिशन ऑफ ए मेंबर टू द यूनाइटेड नेशंस बाय, ये बताइए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यह है आपका अगला प्रश्न। ए जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन बी डिसमिस्ड बाय, इसके द्वारा डिसमिस किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न। पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर। ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन नॉट बी डिसमिस्ड अनलेस, करेक्ट आंसर को इसमें पिक करना है। इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये है आपका आंसर। ए डिसीजन ऑफ द आईसीजे हैज ए बाइंडिंग इफेक्ट ऑन, पार्टीज अलोन इन दैट पार्टिकुलर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। A decision of International Court of Justice has इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला क्वेश्चन। Which article of the statute ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोवाइडेड दैट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट हैज ए बाइंडिंग फोर्स ओनली बिटवीन द पार्टीज इन द रिस्पेक्ट दैट पार्टिकुलर केस? एक सेकेंड, हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए,
नहीं चला। और बढ़िया है, स्पीड से चल रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 159 सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 59। नेक्स्ट ये है आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज नॉट बीन लिस्टेड इन द स्टेट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक बार में काम नहीं चलेगा, जब भी हो स्पीड बढ़ा के ना प्रवचन की तरह सुनते जाएं, बस देखते जाएं उसको। इंटरनेशनल कस्टम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या सही ऑप्शन लगाना चाहिए इसमें? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 38। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन यूज इट्स पावर टू डिसाइड ए डिस्प्यूट एक्स इक्वा इट बोनो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या नहीं है 38 में? ऑप्शन नंबर बी, डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट ये आपको बताना है, Which according to clause 1 of the article 38, clause 1 of the article 38 of the statute of International Court of Justice is a subsidiary means for determining the rules of law that can be applied by the International Court of Justice. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज सब्सिडियरी मींस फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसका सही ऑप्शन है जुडिशियल डिसीजन। नेक्स्ट नेक्स्ट है, There has been no change in the number of members of which of the principal organ of the United Nations since its establishment. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विल हैव ज्यूरिसडिक्शन। गुड मॉर्निंग श्याम, शिवम, ऑप्शन नंबर बी, ऑल मैटर स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर द फॉर एंट्रिटीज आर कन्वेंशंस इन फोर्स। नेक्स्ट देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 168, द जजमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज टू बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड रजिस्टर ऑफ द कोर्ट। अच्छा पढ़िए पढ़िए, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एडवाइजरी ओपिनियन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लैक द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द जजमेंट। नेक्स्ट है, Who can request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal questions? कौन रिक्वेस्ट कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस।
जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको तो हो सकता है कि पढ़ ही ना पा रहे हैं और हम आंसर दे दे रहे हैं कुछ प्रश्नों में, काफी क्वेश्चन में तो ठीक है समय मिल जा रहा है, लेकिन थोड़े बड़े हैं उसमें समय कम मिल पा रहा होगा। इसका इन द इवेंट ऑफ ए डिस्प्यूट एज टू वेदर द इंटरनेशनल कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन और नॉट, द मैटर शैल बी सेटल्ड बाय, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द ऑप्शनल क्लास इन पैरा टू ऑफ द आर्टिकल 36 द स्टेच्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज रिलेटेड टू, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कंपल्सरी ज्यूरिस्डिक्शन। आप पढ़ सकते हैं, आप इसको पढ़िए 173। ए नॉन मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैन बिकम ए मेंबर ऑफ स्टेच्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको पढ़िए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। अच्छा मैं देख रहा हूं हिंदी मीडियम के भी बच्चे कर रहे हैं इतनी देर से, काफी देर से मुझे नाम दिखाई दे रहा है और जो हिंदी मीडियम के बच्चे कर रहे हैं इसका मतलब उन लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही चीजें दिमाग में आ जा रही तभी तो, नहीं तो एकदम अगर समझ में नहीं आता तो कब का बाहर हो गए होते। अब 173 नंबर क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। Who out of following is entrusted with the task of enforcement of judgment of the International Court of Justice? पढ़िए इसके लिए ऑप्शन, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका अगला प्रश्न है, Does United Nation as an organization has the capacity to bring the an international claim against a state in the International Court of Justice? Yes, no, yes, no. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, yes, because United Nation has a legal personality. Next question आपके सामने, Which one of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट? आर्टिकल 94 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर प्रोवाइड्स दैट इफ ए पार्टी टू ए डिस्प्यूट डज नॉट फॉलो द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द अदर पार्टी मे अप्रोच द, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी काउंसिल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 177, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैज नॉट बीन इलेक्टेड एज जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सही है ऑप्शन नंबर डी रंगनाथ मिश्रा, वो जज नहीं है इसको जज मत लीजिए। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ IHRC वाज मेड ऑन विच डेट, December 12, 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स UNDHR was framed in the year, ऑप्शन नंबर बी 148। ये है आपका अगला प्रश्न, द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, पढ़िए इसके लिए ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी
नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स डे, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इन विच ईयर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ऑन विच डेट द स्टेच्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज कम इनटू फोर्स, 1 जुलाई 2002। नेक्स्ट, ये आपका अगला प्रश्न, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू सेट अप कमीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर यूएन चार्टर, सेक्रेटरी जनरल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज सिचुएटेड इन, बर्न। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड एट, हेग में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस का कौन सा ऑर्गन नहीं, ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, the most of the right of the universal declaration of human rights is incorporated in, option number a, part 3 or part 4। next hai, ye hai aapka agla prashn, कि डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रल आर ट्रिब्यूनल सच एज द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। रवांडा इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एज पर, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 वाज एडॉप्टेड बाय, ऑप्शन नंबर बी, जनरल असेंबली। नेक्स्ट, ये आपका अगला प्रश्न,
When was the Rio Declaration on Environment and Development made? Rio Declaration. ऑप्शन नंबर ए 1 जून 1992 और 1 जून 1992 5 जून. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 197. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न. हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नागेंद्र सिंह. वेरी गुड. और ये है आपका अगला प्रश्न. विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज बीन असाइंड स्पेसिफिक फंक्शन बाय द चार्टर रिगार्डिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. और ये है आपका अगला प्रश्न कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ थ्रू पॉलिटिकल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज बीन अथॉर्ड बाय. ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये डी रोजलिन हिंगिस. देखिए 200 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए और टाइम हम लोगों का लगा है जब से शुरू किए हैं लगभग 1.5 घंटे, 1.5 घंटे भी नहीं हुए. तो इसी तरीके से आप लोग चाय वाय पीते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम ना करे और किसी प्रकार की अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए तो एक ही सेशन में सारे प्रश्न आपके हो जाए. ऐसा ना हो कि एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो ढूंढनी पड़ जाए. इसमें तो सब कुछ इसी में हो जाए कि बस इसी को आप एक बार दो बार रिवीजन करें और जाके परीक्षा में बैठ जाए. और निश्चित रूप से इंग्लिश में है जरूर, लेकिन फिर भी हिंदी वालों को भी समझ में आ ही जा रहा होगा. अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा समय देता तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता. लेकिन बस बस यही है कि इतने सारे क्वेश्चन हैं कि पॉसिबल नहीं है कि अगर हम लोग आराम से चलें, चाहे ट्रांसलेट करके चलें, चाहे उसके ऑप्शन को पढ़ें, तो ये 10 घंटे से कम में खत्म होने वाला है. चलिए अगला देख लेते हैं. अब यहां से देखिएगा फिर से. नीरज कुमारी गुड मॉर्निंग बेटा. यहां से देखिएगा कि अब 201 से लेकर 250 के बीच में आपके कितने सही हो पा रहे हैं. कि द नेम ऑफ फर्स्ट वोमेन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. फर्स्ट वोमेन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बिल्कुल सही जो बता रहे हैं आप. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज प्रपोज्ड द क्रिएशन ऑफ ट्रियोका इन प्लेस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यूएसएसआर. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विथ रिफ्यूजीज. रिफ्यूजीज के बारे में कौन ऑर्गेनाइजेशन बात करता है. ऑप्शन नंबर बी UNHCR. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू द चाइल्ड वेलफेयर. इजिली बता सकते हैं, बच्चों से संबंधित यूनिसेफ. नेक्स्ट. वेयर द यूनेस्को यूनेस्कोज हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड. इसका सही ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन. ऑप्शन नंबर डी जेनेवा. नेक्स्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क? सार्क का कौन मेंबर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर. नेक्स्ट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 208 है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक इंटाइटल्ड डी ज्यूरे बेली एक पेसिस? किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर डी ग्रोसियस. नेक्स्ट. द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस? ये क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सेट में तीसरी बार आ रहा है, कम से कम ये हम लोगों के सेट में तीसरी बार आया कि कौन नहीं है पार्ट उसका. नेक्स्ट है, लॉ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? तो सही आंसर है 26 नवंबर. नेक्स्ट, ये आपका अगला प्रश्न, Which one of the following is third generation human right? Third generation human right, right of development. Next, next ये question पढ़िए. Of which of the following international judicial institution the seat is not at the Hague? Hague में कौन सा नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, Which of the following is not a specialized agency of the United Nations? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UN Human Rights Commission. नेक्स्ट, मनीला डिक्लेरेशन 2012 इज रिलेटेड टू? मनीला डिक्लेरेशन, ऑप्शन नंबर बी. इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको जीएस में भी मदद करने वाले हैं. और अगला प्रश्न है आपका, ये पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं, चलिए इसको हटा देते हैं. ये आप बताइए कि इसका आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सही मैच नहीं कर रहा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है, ये है आपका अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? The customary international law of treaties were codified in there. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वियना कन्वेंशन. नेक्स्ट, ये है आपका अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वॉज एडॉप्टेड बाई द जनरल असेंबली ऑन? का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, यह है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219, इंडिकेट द सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वेयर एस्टैब्लिश्ड? सीक्वेंस बताना है. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 3 4 2, पहले 1
फिर तीन, फिर चार, फिर दो। नेक्स्ट, फिर ये क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें सिर्फ तीन ऑप्शन है। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द परसुवेंस ऑफ द फॉलोइंग। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कोर क्राइम्स लिस्टेड इन द स्टेट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आर। कोर क्राइम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोपेनहेगन एकॉर्ड ऑन क्लाइमेट चेंज इज, का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नॉट ए बाइंडिंग ट्रीटी। नेक्स्ट है कि द टोटल मेंबर ऑफ नंबर ऑफ मेंबर इन द यूरोपियन यूनियन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज सिचुएटेड इन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका सही ऑप्शन है बर्न। नेक्स्ट, इन विच सिटी इज द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज बेस्ड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द यूनियन यूएन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर द एक्सपल्सन ऑफ ए मेंबर स्टेट। एक्सपल्सन के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, Which World Bank Group institution is not a specialized agency of the United Nations? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, Which one of the naturalized state? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया। एक बार बताइएगा, अगर आप मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचने लगेगी, नेटवर्क काम करने लगेगा तो बताइएगा एक बार। मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए चलिए चलिए, तब अगला कर लेते हैं। थैंक यू थैंक यू। हाँ, एक सेकंड। एक सेकेंड का डिस्टर्बेंस हो रहा है।
हाँ, अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? 229। क्वेश्चन नंबर 229। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज ए, ऑप्शन तो पढ़ ही चुके होंगे आप लोग क्योंकि काफी देर से ये आप लोगों के स्क्रीन पर है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा। अरे यार, पढ़ लीजिए। अच्छा, इसको इसको पढ़ लीजिए। इसका सही ऑप्शन मैं बता देता हूं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये है आपका अगला क्वेश्चन। टू 231 का बताइए जवाब। 231 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है 232। UNCHR इज रिलेटेड विथ लेबर्स की, चिल्ड्रेन की, वोमेन की, रिफ्यूजीज। इसका सही ऑप्शन है रिफ्यूजीज। नेक्स्ट ये पढ़िए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे इज ऑब्जर्व्ड ईयर एवरी ईयर ऑन, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अरे 20 जून है ना? हाँ 20 जून है, डी नहीं होगा, 20 जून होगा। नेक्स्ट है कि द प्रोविजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स वॉज मेड बाई द जनरल असेंबली ऑन, ये क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली, कब एडॉप्ट किया गया था? ये एडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया में एस्टेब्लिश कब किया गया था? इसका सही ऑप्शन है 27 सितंबर 1993। नेक्स्ट ये है आपका अगला प्रश्न। द आर्टिकल 46 ऑफ द यूएन चार्टर प्रोवाइड्स दैट द प्लान्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शैल बी मेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल विद द असिस्टेंस ऑफ, इसको पढ़ लीजिए ऑप्शन।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमिटी ऑफ मिलिट्री स्टाफ। नेक्स्ट है, विच इज द 43rd मेंबर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ नेचुरल लॉ ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल एज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न, द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्निशन स्टेट्स दैट। 241 का पढ़िए ऑप्शन, इसका पढ़ लीजिए तो मैं बता दूं ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाइल रिफरिंग द केस टू द आईसीजे बाय म्यूचुअल कंसेंट द स्टेट कैन। इसमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आर्टिकल 38 में नहीं क्या है, इसका सही ऑप्शन है इंटरनेशनल यूजर्स। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न, सेवरल इंटरनेशनल ट्रीटीज लाइक द पेरिस कन्वेंशन ऑन थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी 1960, द ब्रुसेल्स कन्वेंशन ऑन द लाइबिलिटी ऑफ ऑपरेटर्स ऑफ न्यूक्लियर शिप्स 1962 हैव इनकॉर्पोरेटेड। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला क्वेश्चन, ये है आपका अगला प्रश्न, पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कौन सा ऑप्शन आपको सबसे सही लग रहा है, का सही ऑप्शन, जैसा कि आप लोग लगाते हैं हमेशा, सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे युक्तियुक्त ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन जो है सबसे रिजनेबल ऑप्शन, यही फार्मूले पर क्वेश्चन सॉल्व करिए। लेकिन जो आ रहा है उसको गलत मत कर दीजिए, बड़ा ऑप्शन देख के जो आ रहा है उसको वही लगाइए। लेकिन जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो सबसे प्रोबेबल आंसर यही है कि जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। 246 है कि द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पास्ड यूनाइटिंग फॉर द पीस रिजोल्यूशन ऑन, ये तो बता देंगे। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अब पता नहीं बेटा ये कैसे नहीं जाता है, मैं भेजता हूं जहां तक स्टेटस में लगाया होगा, हो सकता है ग्रुप में भी मैंने भेजा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कौन सी चीज इंटरनेशनल लॉ का सोर्स नहीं है। इसका सही ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सॉवरेन स्टेट्स। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न, द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस
अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा व्हाइल डिसाइडिंग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑथराइजेस द जनरल असेंबली टू एस्टेब्लिश सब्सिडियरी ऑर्गन फॉर इट्स परफॉर्मेंस। 249 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस प्रोवाइडेड इन द यूएन चार्टर इज सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटी काउंसिल। हम लोगों ने 250 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, अब अगला 50 पर टारगेट करिए। अगला 50, चलिए देख लीजिए। इज देयर इज एनी थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी काउंसिल इज एम्पावर टू टेक एनफोर्समेंट एक्शन अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द यूएन चार्टर। इसमें क्या सही लग रहा है आपको? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। जस कोजेंस डिनोट्स, क्या सुपीरियोरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट, द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऑफ ट्रीटीज वॉज कोडिफाइड इन द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऑफ ट्रीटीज वॉज कोडिफाइड इन द इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वियना कन्वेंशन 1980। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द केस ऑफ आईसीजी हेल्ड दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएन चार्टर ऑब्लिगेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट कोजेंस, द जस्ट कोजेंस प्रिंसिपल वुड प्रिवेल एंड यूएनएचसी रिजोल्यूशन इन वायलेशन ऑफ सच प्रिंसिपल विल बी वॉइड एंड लीगली इनइफेक्टिव। कौन इस मामले में ये कहा गया था? का सही है ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन केस। और ये है आपका अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफिकेशन ऑफ सॉवरेन्स राइट्स टू एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये देख लीजिए, अगर समझ में आ जाए तो देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज इलुसिडेटेड रेट्रोएक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए तो है ही नहीं, चलिए तो है सही भी तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, ये है आपका अगला प्रश्न कि द डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शैल बी मेड बाय। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2000 मेजॉरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। नेक्स्ट है, ये है आपका अगला प्रश्न 259। इसका सही ऑप्शन है द मशीनरी
फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज मोस्ट इफेक्टिव अंडर द ऑप्शन नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये आपका द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये व्हेन वॉज द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड ह्यूमन राइट चार्टर को अडॉप्ट कब किया गया था इसका ऑप्शन आप दे दीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ये है आपका अगला प्रश्न डॉक्ट्रिन ऑफ हिस्टोरिक टाइटल्स वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन कौन से केस में डॉक्ट्रिन ऑफ हिस्टोरिक टाइटल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये है आपका ये पढ़ लीजिए ये है आपका अगला क्वेश्चन ये पढ़िए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रीटीज ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। इसको पढ़िए थोड़ा बड़ा है इसको पढ़िए का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये है आपका अगला प्रश्न ये है आपका अगला प्रश्न द एडमिशन ऑफ एनी पीस लविंग स्टेट टू मेंबरशिप ऑफ यूएन विल बी अफेक्टेड बाय द इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट द रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट वाज सेटल्ड बाय रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट वाज सेटल्ड बाय ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस वाज ऑब्जर्व दैट द रिकॉग्निशन वाज नॉट नेसेसरी फॉर ए स्टेट टू एक्वायर इंटरनेशनल पर्सनालिटी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टिनाको आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन यूनाइटेड नेशंस हैज द पावर टू सस्पेंड और एक्सपेल ए मेंबर ऑफ द यूएन कौन सा है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है कि द बजट ऑफ द आईसीजे इज अप्रूव्ड बाय ऑप्शन नंबर सी जनरल असेंबली। नेक्स्ट The Roman lawyers were influenced by the Stoic conception of option number C, jus soli. Next, in which of the following case, in the absence of express rule, the ICJ recognized the legal personality of international organization? का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर रिपरेशन केस सी। पैक्टा संत सर्वेंडा मींस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ये है आपका ऑप्शन
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड करस्पॉन्डिंग राइट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड, चूज करिए भाई। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न। ए मेंबर ऑफ द यूएन मे बी सस्पेंडेड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ इट्स राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबरशिप बाय द, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अंडर द 1982 यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज द लिमिट ऑफ कंटिजियस जोन इज लिमिटेड टू फ्रॉम द बेस लाइंस फ्रॉम विच द ब्रीथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड, इसमें से क्या रिक्त स्थान में पूर्ति करेंगे आप? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द डिसीजन ऑन प्रोसीजरल मैटर इन द सिक्योरिटी काउंसिल इज टेकन प्रोसीजरल मैटर, ऑप्शन नंबर डी, 9 मेंबर। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न। आर्टिकल 46 ऑफ द चार्टर प्रोवाइड्स दैट द प्लान फॉर एप्लीकेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस शैल बी मेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल विद द असिस्टेंस ऑफ द, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद अगला है, ये है आपका अगला प्रश्न। Which of the following can be used to describe the difference between law-making treaties and treaty contract? इसमें से ऑप्शन पढ़िए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, का सही ऑप्शन ये है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर द 1982 यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज द स्टेट कैन नॉट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ऑन कंटिजियस जोन फॉर द पर्पसेस ऑफ, ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही होगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका अगला प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ऑप्शन नंबर ए ट्रीटीज। नेक्स्ट, द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन इट्स 102 ईयर हिस्ट्री इज, कौन है भाई? शिरीन इबादी। नेक्स्ट, द कन्वेंशन ओजोन लेयर वॉज मेड ऑन, कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर वॉज मेड ऑन, मार्च 1985, इसीलिए 22 मार्च को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर लीजिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 283 है कि एशिया कोऑपरेशन डायलॉग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर मिलिट्री असिस्टेंस, टूरिज्म, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट, द केलॉग ब्रियांड पैक्ट और पेरिस पीस ट्रीटी वाज साइंड, ये तो कठिन है, 1928,
नेक्स्ट ये पढ़िए, गुआंतानामो बे हैज अर्न्ड इंटरनेशनल नेचुरैलिटी फॉर व्हाट रीजन, ये बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कर लीजिए ये, टेरिटोरियल सी ऑफ द स्टेट इज अंडर, टेरिटोरियल सी ऑफ द स्टेट इज अंडर क्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टोटल कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट बैंकर शॉक प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, मेजरमेंट ऑफ मैरीटाइम बेल्ट। नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर द एक्सपल्सन ऑफ ए मेंबर स्टेट, एक्सपल्सन ऑफ द मेंबर स्टेट, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये तो पहले से सॉल्व किया हुआ है आपने, सेक्शन नंबर सिक्स आर्टिकल सिक्स, ये बताइए। The United Nations enjoy immunities and privileges in the territories of its member state under, इसका आर्टिकल 105 privileges है ना, तो यहां जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर्टिकल 105 में, वहां पे भी है। चलिए अगला कर लेते हैं, ये आपका अगला प्रश्न, द ऑप्शनल क्लॉज इन पैरा टू ऑफ आर्टिकल 36 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज रिलेटेड टू, इसका सही ऑप्शन है कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विथ रिफ्यूजीज, रिफ्यूजी के बारे में कौन सा बात करता है, UNHCR। नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, आर्टिकल 51। नेक्स्ट यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज ए, बताइए इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सब्सिडियरी ऑर्गन ऑफ द जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर द यूनेस्को हेडक्वार्टर सिचुएटेड, यूनेस्को कहां है भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्स्थ कमिटी फॉर द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सिक्स्थ कमिटी, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लीगल कमिटी। नेक्स्ट द आइडिया ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन पीबीसी वाज रेज्ड बाय, ऑप्शन नंबर बी कोफी अन्नान। व्हाट इज द यूरो थॉट,
आ रहा? अब मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? आप लोगों तक मेरी आवाज अब पहुंच रही है? अच्छा, देखिए मैं इस सेशन को बंद कर देता, बहुत लंबा हो गया, आप लोग भी थक गए होंगे, लेकिन अब बहुत ज्यादा प्रश्न बचे नहीं। अब ये समझ लीजिए कि 300 हमने पूरे कर लिए हैं और 400 से कम ही है क्वेश्चन। अब कितने हैं आपका, सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। जिनको जाना है वो जा सकते हैं बिल्कुल, और मैं तो सॉल्व पर आके ही हटूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, हाँ 10 दिसंबर है, अगला करते हैं हम लोग। और 301 है कि द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग आईजीयू इज द, 301 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑफ द अरबाइन। नेक्स्ट 302 है, द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इज ए प्रिंसिपल एक्सेप्टेड बाई ऑल यूएन मेंबर्स एंड इम्पोज्ड ऑन देम बाई, क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी लाइज ऑन, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? सिक्योरिटी काउंसिल पर। नेक्स्ट द इकोसॉक कंसिस्ट ऑफ 27 मेंबर, 18 मेंबर, 54 मेंबर, 36 मेंबर, इकोसॉक इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी 54 मेंबर। नो मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशनल कैन सेंड इन द जनरल असेंबली मोर देन, ये तो क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, 5 रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा नहीं भेज सकता। चलिए अगला प्रश्न है कि द एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1966, इट हैज हाउ मेनी मेंबर्स? ऑप्शन नंबर ए 67 मेंबर्स। नेक्स्ट द एशियन एस्टेब्लिश्ड, आसियान एस्टेब्लिश्ड ऑन 8th अगस्त 1967 हैज इट्स हेडक्वार्टर एट, जकार्ता। इंटरपोल वाज क्रिएटेड इन 1923। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ लीग ऑफ नेशंस, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लीग ऑफ नेशंस वॉज डिजॉल्व इन, प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 76। नेक्स्ट द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज द आउटकम ऑफ विच द फॉलोइंग ट्रीटी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वेयर इज द सेक्रेटरिएट ऑफ द यूनेस्को सिचुएटेड, पेरिस, लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पेरिस। नेक्स्ट व्हेन एंड वेयर वाज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एस्टेब्लिश्ड, पेरिस, लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क, सही ऑप्शन है शिकागो। नेक्स्ट द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट,
इसका सही ऑप्शन है जेनेवा। नेक्स्ट, विपो इज हेडक्वार्टर एट, सही ऑप्शन है जेनेवा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टेड, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड रिप्लेसिंग गैट, सही ऑप्शन 1995 सी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो फॉर्म्ड इन वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर सही है डी 1949 अप्रैल। 323, ओरिजिनली नाटो ट्रीटी वाज साइंड बाय हाउ मेनी स्टेट्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 12। नेक्स्ट, द लैटिन अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम इज एन आउटकम ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर 1975। नेक्स्ट, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, Which article of UN Charter provides that every member state is committed to follow Security Council decision? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल नंबर 25। नेक्स्ट, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ऑप्शन नंबर ए 1962। नेक्स्ट, 329, रशिया बिकेम द 8th मेंबर ऑफ G7 इन द ईयर, सही ऑप्शन है 1998। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज सीज्ड टू बी ऑपरेशनल, इसका सही है ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फुली रिप्रेजेंट्स द फैक्ट, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जनरल असेंबली। नेक्स्ट, The member countries of NAFTA are, USA, Canada and Mexico. Next, question number 333, India was elected as a president of General Assembly of the United Nations in 1953, who occupied the office on behalf of India? Vijayalakshmi Pandit. Next, United Nations adopted a Charter of Economic Right in the year, option number B
नेक्स्ट G15 इज ए ग्रुप ऑफ, ऑप्शन नंबर ए डेवलपिंग कंट्रीज. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट ए मेंबर ऑफ G7. सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ UN. इसका सही ऑप्शन है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ऑप्शन सी. नेक्स्ट द नाम NAM समिट विच डिमांडेड द एक्सपेंशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैड मेट एट. सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जकार्ता. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ SAARC. म्यांमार. नेक्स्ट वेयर वॉज द फर्स्ट इवर सिक्योरिटी काउंसिल समिट मीटिंग हेल्ड इन 1992. सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई न्यूयॉर्क. नेक्स्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज एट, लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO वाज, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट The SAARC movement was launched for regional cooperation. Next, the headquarters of UNHCR is located at New York, Rome, Geneva, London. Option number C, Geneva. Next, which of the following is a military alliance? NATO, NAFTA. सही ऑप्शन NATO, ऑप्शन ए. नेक्स्ट इंटरपोल मींस, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ UN इज लोकेटेड इन रोम, जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन. न्यूयॉर्क. ये हो गए हम लोगों के 350 क्वेश्चन. अब अगले कुछ क्वेश्चन हैं, जो 50 क्वेश्चन तो नहीं है, 400 क्वेश्चन नहीं है इसमें. तो अगला सेट है हमारा, तो अगला शुरू करते हैं. तो जब भी आप, अगर मान लीजिए रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख रहे हो, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में भी आप यही करिएगा. एक बार बैठ के तो 3 घंटे आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए 150 क्वेश्चन का टारगेट ही रखिएगा. 100 क्वेश्चन एक बार कर लिए. या इसी तरीके से अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी आपको डिवाइड करना हो टाइम को, उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा. चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए. और आप लोगों को जिनको भी जाना हो जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे लिए बैठ के आप झेलें क्लास को. तो नेक्स्ट है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, ऑप्शन नंबर ए जिनेवा. नेक्स्ट 352 द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूनेस्को इज, ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन. नेक्स्ट व्हेन वाज SAARC फाउंडेड, ऑप्शन नंबर सी 1985. Amnesty International has its headquarter at, option D London. Next the headquarter of International Red Cross is situated in, International Red Cross is situated in, option number D Geneva.
नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन टू मेक ए स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूएन जनरल असेंबली इज अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन बी. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन डी एमनेस्टी इंटरनेशनल. हाँ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए वियना. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्री एंड द पर्पज ऑफ विच यूएन पीस कीपिंग फोर्स इज मेंशन्ड इज करेक्टली मैच्ड. इसमें आप देखिए क्या है हालांकि सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वियतनाम ज्वाइंट द यूएनओ इन द ईयर ऑप्शन नंबर ए 1977. अगला द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हेग. नेक्स्ट अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड द स्कीम पार्टनरशिप फॉर पीस फॉर ए ग्रुप ऑफ नेशंस सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ G15 इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया. नेक्स्ट The Economic and Social Commission for Asia and Pacific is located at Bangkok. Next, which of the following is a cultural organization? Option A, UNESCO. Next. Which of the following is the headquarter of the World Trade Organization? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जेनेवा. नेक्स्ट द इंटरनेशनल टाउनशिप बिल्ड नियर द पॉन्डिचेरी इन इंडिया इन कोलोबोरेशन विथ यूनेस्को सही ऑप्शन है और विले. नेक्स्ट हाउ मेनी फॉर्मर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर हैव कम बिकम मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 11. नेक्स्ट द फाइव परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाइना फ्रांस यूएसएसआर यूके एंड यूएसए. नेक्स्ट द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 1990 रिलेट्स टू द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 1990 रिलेट्स टू सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चिल्ड्रन. नेक्स्ट Who was the first Indian to be resident of UN General, President of UN General Assembly? Vijay Lakshmi Pandit. Next. Which of the following is used as the logo of the World Wide Fund for Nature?
सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द G8 ग्रुप। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नाटो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब करेक्टली द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इसका सही ऑप्शन है दे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज इन। ऑप्शन नंबर डी, रोम। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को इज एट। ऑप्शन डी, पेरिस। विच यूएन बॉडी डील्स विथ पॉपुलेशन प्रॉब्लम। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, यूएन FPA। बिसाइड यूके, यूएसए, जर्मनी एंड जापान द G7 कंट्रीज इंक्लूड। ऑप्शन डी, कनाडा, फ्रांस, इटली। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो इज लोकेटेड। पेरिस, मैड्रिड, न्यूयॉर्क, जिनेवा। जिनेवा। द ऑफिस ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इज इन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल विच इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच हैज वर्चुअली एकम्प्लीस्ड इट्स ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट, द एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। एमनेस्टी, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हैलिफैक्स समिट वाज दैट ऑफ। हैलिफैक्स G7 कंट्रीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड इज लोकेटेड at which of the following places। option a, Geneva। next, the permanent secretariat to coordinate the implementation of SAARC program is located at। ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू, नेपाल। नेक्स्ट, द इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट वाज हेल्ड वाज लेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। Which of the following is not associated with the UNO? ASEAN. Next, which European country is guarantor of Bank of Central African State? सही ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। और द फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट, अर्थ समिट, ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरियो। और आज का लास्ट क्वेश्चन है द यूएन, इन द यूएन हाउ मेनी टेरिटरीज वेयर प्लेस्ड अंडर द ट्रस्टीशिप सिस्टम। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 311 क्वेश्चन नंबर 390। तो ये पूरा क्वेश्चन रहा हम लोगों का, पूरा सेशन रहा इसके अंतर्गत। आपने देखे कि इंटरनेशनल लॉ से संबंधित आपने लगभग 400 प्रश्नों को सॉल्व किया, और एक बार अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है तो एक ही बार मत रहने दीजिएगा, इसको एक से अधिक बार स्पीड बढ़ा के, जैसे भी है यूट्यूब ने हमें ये सुविधा दे रखी है तो उस सुविधा का लाभ लीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। और आपको ये बहुत फायदा पहुंचाने वाला है, फायदा इस प्रकार से पहुंचाएगा कि आपको फिर से इंटरनेशनल लॉ में बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको देखना रह जाएगा, उसको आप देख लीजिए करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स यानी जीएस का भी पार्ट कवर करेगा, और उसके साथ साथ ये कवर करेगा आपका इंटरनेशनल लॉ का भी। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं और एक से अधिक बार आप प्रैक्टिस कर जाइए ताकि आपको असुविधा ना हो। मैं बता दूँ अनअकैडमी जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, देश का बेस्ट और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करा जाती है और हम लोग बात करेंगे लॉ से जुड़े हुए एग्जाम की, और लॉ से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम हैं, चाहे PCSJ हो, चाहे APO हो, चाहे हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ कराई जाती है। और यहाँ इस समय आपको मिल रहा है स्पेशल ऑफर, और स्पेशल ऑफर 23% का। 23% क्यों? क्योंकि न्यू ईयर जो आ रहा है हमारा वो 23 आ रहा है, 2023, इसलिए 23% डिस्काउंट मिल रहा है। यानी आप चाहे ये प्लस का सब्सक्रिप्शन ले, चाहे आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले, उस पर आपको 23% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको स्क्रीन पर ये फी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये मिलेगा कैसे? आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो वो आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आपके पास कोई रेफरल कोड है, तो आप ये रेफरल कोड जरूर डालिएगा RAILAW10 RAILAW10। अगर आप इस कोड का यूज करेंगे तो आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि 23% है, तो ये आप जरूर यूज करिए। बाकी कर्नाटका स्टेट जुडिशियरी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी से, और 6 महीने इसकी ड्यूरेशन होगी। उसके अलावा देखिए इसकी खासियत यह है कि कन्नड़ में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों भाषाओं में आपको ये बैच मिलेगा। प्रारंभ बैच जो है 18 मंथ का है, फाउंडेशन बैच 2022 फॉर ऑल स्टेट, दिसंबर 27 से शुरुआत हुई है इसकी, 18 महीने का है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रैपिड रिवीजन यूपी और छत्तीसगढ़ जुडिशियरी के लिए चल रहा है, आप इसका तो लाभ ले ही सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएँ हमको, संकल्प यूपी PCSJ प्रीलिम्स बैच भी चल रहा है अभी, तो इसको भी आप लाभ ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज की भी सुविधा है, तो क्या नहीं है यहाँ, सब कुछ है। ये सारे YouTube चैनल है जिन्हें आप ज्वाइन करके आप लाइव लेक्चर का लाभ ले सकते हैं, और तमाम लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ, और ये टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए, तो तैयारी करिए और आने वाली परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन करिए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आप इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू।